एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शूट हो रहा है टोरंटो एयरपोर्ट से। आज हम लोग रेंट कर रहे हैं यहाँ पे कार, तो आज आपको बताते हैं कि ये जो कार हमने रेंट करी है टोरंटो एयरपोर्ट पे, इस कार को रेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप कैसे रेंट करते हो, और इस जो ये Y9 से हमने कार पिक करी है, कैसे कन्वीनियंटली आप स्टेप से कार यहाँ पे रेंट कर सकते हो। तो चलो अब आपको दिखाते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। सो बे Y9 से ये कार हमने रेंट कर ली है, और यहाँ पे जैसे आप कार रेंट कर लेते हो आपको फिर आकर पूरी इंस्पेक्ट करनी है कि कोई स्क्रैचेस नहीं है, सारी रिपोर्ट इस पे डालनी है ताकि बाद में आप लायबल ना हो। 5 दिन की हमने ये टोरंटो से कार रेंट करी है, एयरपोर्ट की लोकेशन है, तो पूरा आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको वो टैग नंबर दे देंगे कि Y9 से आप आओ, अपनी कार ले लो, और पूरा ये जो बे है ये सारा रेंटल लिया है, सब लोग आके यहीं से रेंट करके ड्रॉप ऑफ करते हैं कार। सो 5 दिन की गाड़ी, ओंटेरियो प्लेट, आप देख सकते हो ओंटेरियो में आगे और पीछे दोनों प्लेट्स होती हैं। तो एक Q5 का एक्चुअली प्रमोशन चल रहा था, तो $20 पर डे एक्स्ट्रा में ये कार इन्होंने हमें रेंट करी है। सो कार कीज मिल चुकी हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कार रेंट करते हो ना, यहाँ से गाड़ी से अंदर बंद कर रेडियो ऑफ करते हैं। सो आप यहाँ पर जब कार रेंट करते हो, जैसे पियर्सन, टोरंटो पियर्सन बड़ा एयरपोर्ट है, तो गाड़ी की चाबी वगैरह यहाँ पर अंदर ही रखी होती है, आपको बाहर वहाँ से नहीं लेके आनी पड़ती। कभी कभी अंदर से भी लेके आनी होती है, बट ज़्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स में वो टिल्ट में यहाँ बिन जो बे एरियाज हैं उसी में डेडिकेट करके रखते हैं। तो पूरा चेक कर लिया है, कार अंदर से कंफर्टेबल है, मून रूफ भी है ऊपर, आप देख सकते हो। बाकी लोग भी रेंट जो जो करके जा रहे हैं, सारी कार लेके जा रहे हैं। सो अब अंदर बैठ के जब आप गाड़ी रेंट करते हो, तो आपको गैस का देखना है कि कितनी पेट्रोल जो है कितना बचा है, और जब आप रेंट कर वापस रिटर्न करते हो कार, लाइट ऑन करते हैं, रेंट करने के बाद जब एंड में रिटर्न करते हो, तो आपको पूरी गैस और पेट्रोल जिसको बोलते हैं उसको वापस उतना ही फिल करके देना होता है। सो अब बस कार की इंस्पेक्शन हो चुकी है, अब गाड़ी लेके जाएंगे जहाँ पर हम होटल में रुक रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग करेंगे। विद इन टोरंटो काफ़ी ईजी रहता है, अगर टोरंटो, इवन यहाँ पर कैनेडा में, अगर आप किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो, तो विद इन सिटी कार रेंटल ना ईजी हो जाती है, आपको ट्रैवल करने में थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। प्लस आपको कम्यूट करना दूर है सब चीज़ें, सपोज़ डाउनटाउन से ब्रैम्पटन बहुत दूर है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा वो लगता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। सो कार एक कन्वीनियंट फीचर रहता है, और कन्वीनियंट फीचर तो नहीं, कन्वीनियंस रहती है। सो या चलो अब आपको मैं बाकी की चीज़ें दिखाता हूँ, और फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यूजुअली अगर आप इन रेंटल कंपनियों से एडवांस में रेंट करते हैं, तो आपको डील अच्छी मिल जाती है। राइट अवे अगर आप एयरपोर्ट पे करोगे, तो वो एक्सपेंसिव भी रहता है। सो ये एक ज़रूरी एडवांटेज रहता है। सो ये थी पूरी कार रेंटल प्रोसेस की वीडियो, पेमेंट से लेकर कार रिसीव करने तक सब कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बस फाइनल स्लिप गेट पर दे के अब चलते हैं टोरंटो, और आपको दिखाते हैं टोरंटो में होपफुली बहुत सारी वीडियोस बना पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते, बाय।